यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। My father was one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया? क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूँ, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए। और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। सर, पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया जाया। So how was your bike ride yesterday? You traveled almost 160 kilometers. It was nice. Because I find जो अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा आसानी से बातचीत हो जाती है, मतलब एक्सेस आसान होती है। गाड़ी में थोड़ा बंद रहते हैं तो कम बातचीत हो पाती है, मगर यहाँ पे कम ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी वाले इतना माइंड नहीं करते हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ना करने दें। यूथ से लगातार आप मिल रहे हैं, हमने देखा फुटसॉल मैच में भी आप यूथ से मिल रहे थे, पूरा जो 17 अगस्त से आपका पूरा ये दौरा है, यूथ से मिल रहे हैं, यूथ का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या बातचीत हो रही है यूथ से? नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेके अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज़ से स्टेट चलना चाहिए।